छाबड़ा हार्डवेयर प्लाईवुड एवं पेंट, छाबड़ा हार्डवेयर बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने पर फैंसी बाथरूम एसेसरीज, हार्डवेयर प्लाईवुड पेंट सहित वॉल डिजाइन एलईडी मिरर की पूरी रेंज मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। छाबड़ा हार्डवेयर प्लाईवुड एवं पेंट, छाबड़ा हार्डवेयर बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने पर फैंसी बाथरूम एसेसरीज, हार्डवेयर प्लाईवुड पेंट सहित वॉल डिजाइन एलईडी मिरर की पूरी रेंज मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा एसपी विवेक सिंह कितने संवेदनशील हैं इस बात का अंदाजा आपको यह खबर देखकर लग जाएगा। वह इतने संवेदनशील पुलिस अधीक्षक हैं कि छोटी छोटी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कई बार और अक्सर वह यह देखा जाता है कि वह मौके पर जाते हैं, चाहे मर्डर का मामला हो, चाहे और कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या ऐसा कोई विषय हो जो संवेदनशील विषय हो। आइए ये 11 मजदूरों को छुड़ाने वाला क्या है पूरा मामला आपको सुना। सर, कुछ मजदूरों को लाने का मामला है, पूरा किस तरह का मामला था और किस तरह से पुलिस ने उनको अपने घर तक पहुँचा है? ये रोशनी चौकी क्षेत्र में खाई टमनी गाँव है, वहाँ से कुछ मजदूर महाराष्ट्र के पंढरपुर में गए थे मजदूरी करने के लिए। यहाँ के ठेकेदार या किसी के बिचौले के माध्यम से गए थे वहाँ पे, और वहाँ जाके फिर उनके द्वारा उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है और भरपूर उनको जो मजदूरी वो नहीं मिल रही है, जिसके बाद उनमें से एक महिला मजदूर ने यहाँ पे लोकल में संतोष मीणा जो किल्लौर के हैं उनको फ़ोन किया और अपनी समस्या बताई, जिन्होंने फिर पुलिस से संपर्क करके और उसमें फिर पुलिस से संपर्क करके उन्होंने उनके पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस रोशनी चौकी और खालवा थाने की पुलिस SDOP सभी लोग उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए पंडारपुर जो जिला है वहाँ की पुलिस से संपर्क करके और तत्काल यहाँ से एक टीम रवाना करके फिर उन मजदूरों को उनको छुड़ा के यहाँ पे लाया गया है। तो टोटल कितने मजदूर थे और जो बिचौलिया था उनको पहुँचाने के लिए उसके लिए कोई रजिस्टर्ड वगैरह हुआ है केस? उसमें करीब 11 मजदूर हैं अभी जो हैं जिनको छुड़ा के लाया गया है, और इसमें अभी मजदूरों से जो भी ग्रामीण आए हैं जो मजदूरी करते थे उनसे अब अगर वो कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई अपराध रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। नए वेरियंट को